जैसे कि अगर आप पैरों पे कोई मूवमेंट नहीं करेंगे तो आपका पैर आपको वीकनेस लगेगा, ऐसा लगेगा कि पैरों में दर्द हो रहा है आपको, लेकिन वो हो सकता है कि वो केवल सर्कुलेशन का ही हिस्सा हो। अगर आप अपने खून के रफ्तार को नॉर्मल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को तो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बताने वाली हूँ। केवल आपको 10 से 15 मिनट्स देने हैं अपने आप को, ताकि आपके ऑर्गन में प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन बना रहे और आप बिल्कुल लाइट फील करें। चाहे आप कितना भी काम करें, आप अपने शरीर को हल्का महसूस करवा सकते हैं। इसके बाद आज के जमाने में हम हर टाइम फुटवेयर्स यूज करते हैं, घर पे रहे तो फुटवेयर्स, बाहर रहे तो फुटवेयर्स, कभी भी फुटवेयर्स को निकालते ही नहीं है और कभी भी हम अर्थ की एनर्जी नहीं ले पाते हैं। तो ओल्ड डेज में जो नेचुरल स्टिमुलेशन होता था वो अब नहीं होता है, क्योंकि हम इतने ज्यादा लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं जिसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं होता। आज मैं आपको बताने वाली हूँ उन सारे ऑर्गन्स का रिफ्लेक्स एरिया, जिसको आपको प्रेस करने से उस ऑर्गन में आप खून का प्रवाह नॉर्मल कर सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल नॉर्मल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से रिफ्लेक्स एरियाज होते हैं, वो कहाँ कहाँ पे होते हैं। ये रिफ्लेक्स एरिया आपके पैरों पे मौजूद होता है। अगर आप अपने पैरों को डेली मसाज करते हो प्रॉपर टेक्निक से, जो मैं आपको बताने वाली हूँ, तो यह आपके बॉडी को रिजुविनेट करेगा, साथ ही उस ऑर्गन को भी रिजुविनेट करेगा जिससे यह कनेक्टेड होता है। आपको केवल 10 मिनट्स देने हैं और इस वीडियो को तो देखना ही है, साथ ही यह रोज करने हैं। सोने से पहले आप कर सकते हो इसको, मॉर्निंग में उठने के बाद कर सकते हो, ताकि आपके ऑर्गन्स जो एक्टिव रहे दिन भर काम करने के लिए। तो बिना किसी देर के आइए जानते हैं कौन कौन सा रिफ्लेक्स एरिया जो है आप प्रेस करने से अपने बॉडी को हील कर सकते हो। समझने में आसानी के लिए हम इसे 4 भागों में बांटेंगे। ऊपर का हिस्सा हेड, नीचे चेस्ट, फिर पेट का भाग और सबसे नीचे होता है जेनिटल के पॉइंट्स और पैल्विक और आंत, इंटेस्टाइन, रेक्टम और लोअर बैक के पॉइंट्स। ये ब्रेन है और ये गर्दन और ये साइनस, जिनको भी साइनसाइटिस होता है वो यहाँ प्रेस करें। ये आईज और ईयर्स, ये लंग्स और हार्ट। ये डायफ्राम है, ये स्प्लीन, पैनक्रियाज है। ये है स्टमक और इसके अंदर जो है लिवर, किडनी आते हैं, यानी कि शुगर वालों को या फिर किडनी वालों को यहाँ पे प्रेस करने से फ़ायदेमंद होता है। ये सारे जो है पेल्विक के पॉइंट्स होते हैं, ये ब्लैडर और ये रेक्टम के पॉइंट्स हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लोअर बैक के पॉइंट्स हैं। जिनको भी पीरियड्स की समस्या या यूट्रस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो यहाँ दबाए। तो इस तरह से सारे अंगों को हम धीरे धीरे प्रेस करेंगे, ये काफ़ी रिलैक्सिंग होता है। जिन अंगों में भी समस्या है या जहाँ के भी आपको ब्लड के फ्लो को बढ़ाना है, आप वहाँ पे एक्यूप्रेशर दे सकते हैं। अक्सर पूरा दिन काम करने के बाद लोगों को पैरों में ही थकान होती है और फिर बहुत सारे लोग पानी में पैर को धोते हैं या हीटिंग पैड का यूज़ करते हैं, पर उससे कुछ समय के लिए ही आराम मिलता है। हालांकि पैरों का दर्द भले ही कम हो जाता है, लेकिन जो थकान और जो तनाव होता है वो कम नहीं होता। लेकिन अगर आप इस तरह से एक्यूप्रेशर देते हैं तो आप मिनटों में रिलैक्स हो सकते हो, आपको बहुत अच्छी नींद आने वाली है और कई सारे रोगों से भी बच सकते हो। अगर आपको नींद की कोई शिकायत है तो आप डेली पैर का एक्यूप्रेशर दे के ही सोए और आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। अगर आपको जोड़ों में दर्द है तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। बिल्कुल 10 मिनट्स में आप बिल्कुल रिलैक्स हो सकते हो। ये जो है त्वचा के निखार के लिए भी बहुत अच्छा है। तलवों में मालिश करने से शरीर का ब्लड फ्लो तो बेहतर हो जाता है और साथ ही आप तरोताज़ा महसूस करते हैं।